आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बीते दो साल से कोविड हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी संक्रामकता और इसके असर को लेकर एक मत में नहीं थे। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज हम अपनी इस खास चर्चा में, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर भाटी, अक्सर हम लोग जब भी कोरोना का, जब से शुरुआत हुई है इस महामारी की, कोरोना के पोस्ट इफेक्ट्स या पोस्ट कोविड इफेक्ट्स जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में बातचीत हम करते आए हैं। हमने लगातार लोगों को देखा भी है कि वो पोस्ट कोविड के बाद किस तरह से सिम्टम्स आए, अलग अलग तरह की बीमारियों को लेकर, खासतौर से अगर कोमॉर्बिड थे तो उसके बाद उनकी जो परेशानियाँ हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी को दिल की बीमारी है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? क्या एक आम आदमी जिसको कोई किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी नहीं है, क्या उसमें भी कोविड के जो वायरस हैं वो लंबे समय तक रहेंगे और आगे चलकर इम्पोर्टेंट पार्ट्स को असर होगा? देखिए, जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, पैंडेमिक की स्पेसिफिकली, अगर पिछले 18 महीने के अंदर भी देखें तो कितनी डायनेमिकली गतिशील चीजें बहुत चेंज हो रही है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रिसर्चेज है, और पोस्ट कोविड सिक्वेली की जब हम बात कर रहे थे तो वो हम पहले भी बोल रहे थे कि इसके बाद अभी और आगे इसकी जो पोस्ट कोविड जो सिक्वेले की जो भी इफेक्ट्स है वो सामने और आगे आगे आएंगे, तब हमें पता लगेगा। इसमें हम एक बात कर रहे थे कि इनिशियली डेज में शुरुआती तौर पे बात की जा रही थी कि ये ज्यादातर हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो इसी तरह के अब आगे आगे और स्टडीज आ रही है जिसमें पता लग रहा है कि इस तरह के क्या सिक्वेले हैं। अब जैसे हम अगर अभी नए वेरिएंट की भी बात करें, अब हालांकि इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये माइल्ड है, बट इसके जो है पोस्ट कोविड इफेक्ट्स क्या रहेंगे वो भी अभी हम लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। मुझे ये समझना है कि ये किस तरह से, डॉक्टर भाटी अगर आप समझा पाएं विस्तार से, किस तरह से डैमेज करता है जिसके चलते आपको इतनी सारी बीमारियों की संभावनाएं जो है लॉन्ग टर्म में बन जाती हैं। जी जी, देखिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल ये एक हर एक इंडिविजुअल पे डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमने देखे इनिशियली तो आप ये देखिए जो हमारे डायबिटिक लोग थे, स्पेसिफिकली जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, उनके अंदर ज्यादातर देखा गया कि उनको म्यूकर माइकोसिस, आपने देखा होगा जो ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे थे, उनके अंदर वो इफेक्ट देखे गए। अदर अदर पेशेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसकी तो डिफरेंट जो है पेशेंट्स के अंदर अलग अलग तरह की जो है इसमें पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड के इफेक्ट नजर आ रहे थे। बच्चों की बात करते हैं, यहाँ पे जो ऐलान प्रधानमंत्री ने भी किया हुआ है, डॉक्टर भाटी आप शायद विस्तार से बात कर पाए क्योंकि आप कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर भी हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी। चर्चा में था कि इसकी शुरुआत 12 साल की उम्र के बच्चों से होने वाली है, लेकिन 15 को क्यों कंसिडर किया गया है, और किस तरह की वैक्सीन लगेगी, और किस तरह से किशोरों की इम्यूनिटी बिल्ड करने की ये कवायद जो कि काफी लंबे समय से हम शुरू करना चाहते थे वो अब शुरू हो चुकी है? जी जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो ये हमारी अब सेकंड वैक्सीन होगी बच्चों की, जिस तरह से पहले जाइकोव डी ऑलरेडी अप्रूव हो गई थी, पर जाइकोव डी भी हमारे 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव हुई थी। जाइकोव डी का ये था कि उसमें 3 डोजेस थी और एक वो निडललेस वैक्सीन थी, पर उससे पहले अभी कोवैक्सीन, जिस तरह से कोवैक्सीन का जो डेटा सबमिट हुआ था वो 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए था, जिसमें भी उसके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, 2 से 6 साल के बच्चे, 6 से 12 साल के बच्चे और 12 से 18 साल के बच्चों में। तो फिलहाल जो अभी DCGI ने, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था, DCGI ने अब उसको फाइनल अप्रूव कर दिया है, वो अप्रूव हुई है 12 से 18 साल के लिए। पर जिस तरह से हम अपनी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको फेज्ड मैनर में चलाते हैं, प्रायोरिटी को देखते हैं, हालांकि प्रायोरिटी हमारे लिए सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं, बट फिलहाल अगर हम देखें अभी जिस तरह के बोर्ड एग्जाम्स हैं बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं के लिए स्पेसिफिकली, तो उनको लगना शुरू हो जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर पे जो ये एज ग्रुप है और आगे आगे कम होता शुरू हो जाएगा, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बाकी डेटा भी सबमिट कर चुकी है जो इससे नीचे वाला भी एज ग्रुप है, पर फिलहाल 12 से 18 के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। और जिस तरह से हम इसको लॉजिस्टिकली ग्राउंड लेवल पर देखेंगे किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आगे और भी एज ग्रुप, जैसे पहले भी हमारा अडल्ट का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो फेज मैनर में हुआ था, तो बच्चों के लिए भी प्रोसेस इसके अंदर सेम रहेगा, जिस तरह से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी आईडी के लिए जिस तरह से नो डिफरेंट डिफरेंट आईडी
होगी जो बच्चे जो दी जा सकती है वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर। और इसके अलावा अभी फिलहाल जैसे कोवैक्सीन दी जा रही है, तो कोवैक्सीन के जैसे हम बात करें जो एडल्ट्स के अंदर वैक्सीन दी थी डे वन पे और 28 डे पे, मतलब 28 दिन में बच्चे का दोनों डोज का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर भाटी, नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगा, क्या इससे जुड़ी कोई डिटेल आपके पास है जो आप समझा पाएं? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मैंने जाइकोव डी का बताया, जाइडस कैडिला, वो एक डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जो कि हमारे अडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी है और हमारे पीडियाट्रिक ग्रुप के लिए भी है, पर फिलहाल अभी उसको रोल आउट नहीं किया गया है क्योंकि उसमें कुछ शुरू में अभी शुरुआती दिनों के अंदर हम उसको 7 राज्यों के अंदर लॉन्च करेंगे। उसके बाद क्योंकि वो एक नई टेक्निक से है, उसका जो है वो एक निडललेस वैक्सीन है, वो ऑलरेडी जो है अप्रूव भी हो चुकी है, डीसीजीआई ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। नेजल के ऊपर अभी काम चल रहा है, उसका डेटा अभी सबमिट हुआ है, नेजल भी फर्दर आने वाली है। नेजल वैक्सीन के लिए हम जो बात कर रहे हैं आगे, जिस तरह से कंपनी क्लेम कर रही है कि उसमें जो हम फर्दर वैक्सीन के लिए जब बात करते हैं हम कि वैक्सीन ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है, वो आपकी बीमारी की गंभीरता को रोकता है या आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाता है, बट जो नेजल वैक्सीन की जब बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिशन को भी रोकेगा, जो संक्रमण है उसको भी रोकने में वो कारगर रहेगी। और जो नेजल वैक्सीन है आपकी, इसके लिए इसको एज अ बूस्टर के मतलब तौर पे भी आगे देने के ऊपर विचार होगा। अभी फिलहाल तो हम जिस तरह से जो है प्राइमरी वैक्सीन की डोज दे रहे हैं, बट आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पॉलिसीज में और अमेंडमेंट होता रहेगा, तो शायद हम जो बूस्टर के लिए बात कर रहे हैं या हम जो अदर जिस तरह से जितनी भी स्टडीज हम देख रहे हैं जिसमें मिक्स एंड मैच की जब बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो उसमें हम एक कोवोवैक्स और एक नेजल वैक्सीन के ऊपर भी बात चल रही है कि शायद उसको एज अ बूस्टर आगे फर्दर दिया जाए। डॉक्टर भाटी, मुझे ये बताएं, क्योंकि हम बच्चों के वैक्सीनेशन के रोल आउट होने की बात कर रहे हैं, फिलहाल चरणबद्ध तरीके से इसको फेजेस में रोल आउट किया जाएगा, उम्र के लिहाज से अगर रोल आउट को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई आप जानकारी हमें दे सकें जो मौजूदा दर्शक सुन रहे हों और आगे चल के उनके काम के लिए आए, क्योंकि 3 जनवरी से इनका रोल आउट शुरू हो जाएगा। जी, बिल्कुल, देखिए 3 जनवरी से जिस तरह से रोल आउट शुरू होगा और 1 जनवरी से वो कोविन ऐप पे उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर जो एज की हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 साल से ऊपर के लिए ऑलरेडी जो है इसका ट्रायल चल चुका है। अब आगे आने वाले समय में जैसे 12 साल तक के लिए ओपन होगा, और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे 6 से 12 साल के लिए भी फर्दर ये वैक्सीन आगे रोल आउट होती रहेगी, जिस तरह से अडल्ट के लिए रोल आउट हुई थी। क्योंकि फिलहाल अभी जो करेंटली हम बात कर रहे हैं, हमारा पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक तो बहुत सारे लोग अभी जो बचे हैं जिन्होंने जो अनवैक्सीनेटेड है, सेकेंड डोज वाले जो लोग हैं, इसके अलावा जो हमने बूस्टर शुरू किए हमारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जो कि 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, फिर हमारा जो 60 ईयर्स एंड कोमॉर्बिड वाला है उनका भी साथ के साथ चलना है, तो इस वजह से एक साथ हम, और फिलहाल अभी हमारे पास अगर उस तरह से देखिए 2 वैक्सीन बच्चों के लिए है, बट अभी फिलहाल रोल आउट सिर्फ कोवैक्सीन हुई है। जाइकोव डी भी रोल आउट होने के बाद ये आगे वाले और एज ग्रुप के लिए जो है ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर शुरुआती तौर पे जैसा मैंने बताया पहले भी कि जाइकोव डी के लिए बात चल रही थी कि हमारे जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी साथ के साथ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमर लिस्टिंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।